छिंदवाड़ा के मालेगांव में जांच के दौरान पोकलेन मशीन सहित 800 ट्रॉली रेत भंडार जब्त किया गया, जिसके बाद खनिज विभाग प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल खनिज विभाग अधिकारी मनीष पालेवाल को रेत के अवैध भंडारे की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग टीम ने नदी के किनारे जांच की और जब्त की गई सामग्री कोटवार को सौंप दी है। ग्राम मालेगांव तहसील सौंसर में रेत के अवैध भंडारण की हमको शिकायत कल प्राप्त हुई थी। इस संबंध में स्थानीय जो इंस्पेक्टर हैं महेश नकपुरे को कार्रवाई के लिए भेजा था, साथ में पुलिस और रेवेन्यू का दल भी था। इसमें मौके पर तकरीबन 800 ट्राली रेत भंडारण पाया गया और एक पोकलैंड मशीन अज्ञात रूप से खड़ी होना पाया गया भंडारण के पास। उसको जब्त करके जो है थाना लोधीखेड़ा की सुपुर्दगी में रखा गया है और जो रेत वहाँ जब भंडारित थी उसको कोटवार के सुपुर्दगी में दिया गया।